हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। कालर कसोटी रे उपन्यासिक गोपीनाथ महांती हेउछंती आदिवासी लोक जीवनर यथार्थ रूपकार। तांकर रचित परजा उपन्यास एही आदिवासी लोक संस्कृति ओ जीवनधारा को नेई गठित। आज आमे गोपीनाथ महांतींकर परजा उपन्यासर कथावस्तु आलोचना करिबा। कौन रहिचि एही परजा उपन्यासरे? अगना अगनी बनस्त पहाड़माला ओ तार प्रस्तरीय निश्चलता, बणपक्षीर कलकुजन, बर्णील सूर्योदय ओ सूर्यास्त, काहीं केते कालरु मणिष मुंडरे मथा न भांगिथिबा अनंत नील आकाश ओ सेही माळंच पृथ्वी उपरे पाद थापी जीथिबा मणिषर कथाई गोपीनाथ महांतींक सृष्टि सर्जनारे आनी देइछि प्राण प्राचुर्य। एही गोपीनाथ महांती जणे उच्चपदस्थ अधिकारी भावरे नुहे, से कोरापुटरे चाकरी करिथिले, किंतु से तांकर उच्चपदस्थ अधिकारी भावरे नुहे, से जणे दरदी मणिष भावरे एही आरण्यक परिवेशर मणिष मानंकु देखिछन्ते। आरण्यक परिवेश आदिवासी माने, आदिवासी मानंक मध्यरे थिबा सरलता, निरीहता, साधुता, अज्ञता, अंधविश्वास आदि को अति वास्तव भावरे रूप देइछन्ते परजा उपन्यासरे। कहिबाकु गले परजा हेउछि आदिवासी जीवनर महाकाव्य। एहा गोपीनाथकर श्रेष्ठ कृति परजा। एही परजा उपन्यासरे औपन्यासिक वन्य प्रकृतिर नैसर्गिक कोलरे लालित पालित आदिवासी परजा संप्रदायर जीवनादर्श सहित एही निरीह आदिवासी मानंकु शोषण करुथिबा सभ्य मणिषर बर्बरता ओ जो नुआ फिंदिकिरी जो रहिचि तार रूप प्रदान करिछन्ति। परजा उपन्यासर शुक्रजान जो चरित्र, से शुक्रजानीर परिवार सबु अभाव अनाटन मध्यरे केते आनंदरे समय बितांती। से सुषमा विमंडित सबुज अरण्य ओ अनंत आकाश तले से माने आनंदरे समय बितांती। परजा उपन्यासर जणे चरित्र होची रामचंद्र साहूकार। फकीर मोहनकर छमाण आठ गुंठ उपन्यासर जमीदार थिले रामचंद्र मंगराज। से रामचंद्र मंगराजकर भित्ति थिला शोषण, जो शोषण करुथिले शोषणर भित्ति थिला भूमि। सारिया भगियार जो छमाण आठ गुंठ भूमि को से नहीं जाइथिले, एही शोषण थिला विंश शताब्दीर आद्य भागर सामाजिक अवस्था जेतेबेले रामचंद्र मंगराज कथा कहा जाइछे। किंतु 1940 परे समाज व्यवस्था रे परिवर्तन घटिचे, से सामंतवाद विलय घटी पूंजीवाद मुंड टेकिचे। एही पूंजीवादी व्यवस्थार पुरोधा हेउछि परजा उपन्यासर साहूकार रामचंद्र। तार नाम रामचंद्र साहूकार। कहिबाकु गले गोपीनाथ महांती देखिपारुथिले जेमिति सेतबेळर जो थिला सामंतवादरे भूमि थिला शोषणर मूल भित्ति, किंतु पूंजीवादीरे शोषणर रूपको से अति वास्तव भावरे चित्र करिसेंति। अर्थ हेउछि अर्थ कोन करे? अर्थ धीरे धीरे समाज को नियंत्रण करे। ए अर्थ किपरि शोषणर रामचंद्र साहूकार अर्थ को शोषणर माध्यम बाछि नैछि। उपन्यासिक रामचंद्र साहूकार ओ अमलातंत्र को नै शोषणर जो चित्र प्रस्फुटित करिछन्ति। साहूकार रो अर्थनैतिक शोषण सांग को आदिवासी माने शिकार होइछन्ति अमलातंत्र रो।
सूक्ष्म आईन कानून को भेद करिबार शक्ति यह आदिवासी मानकर नाही। मिथ्या आईन जालरे माने पेशी हो जाइछन्ते। तेणु जत्ते चेष्टा कले भी सुक्रुजानु तार बंधा पड़ा जमी खंडक साहूकार पाखरु मुकुलाई पारे नाही। सुक्रुजानुर पुओ मांडिया जानु टिकरा जानु से माने समस्तंको अनुरोध को उपेक्षा करी साहूकार तांको आधुनिक बर्बर समाज रो जो आद्य ध्वनि जो कथा कही हूँ आधुनिक बर्बर समाज रो आद्य ध्वनि जो कथा को सुक्रुजानु आउ तार पुओ माने जानंती नाही से माने अति सरल एवं जो बर्बर समाज आद्य आद्य ध्वनि को रामचंद्र साहूकार कही बहु विद्रूप भाव रे परवर्ती समय रे कौन है परवर्ती काल रे प्रतिशोध परायणा बाप पुओ सुक्रुजानु तार पुओ समस्ते मिसी रामचंद्र साहूकार को हाणी गड़ गड़ कर सरल आदिवासी प्रति सभ्य समाज रो जो शोषण जो छलना रही तार परिणति संबंध में औपन्यासिक सूचना देखते एक शोषणहीन आदर्श समाज रो स्वप्न देखिंटे औपन्यासिक गोपीनाथ महांति औपन्यासिक यही परज उपन्यास रे आशावादी हो उठी आशावादी कहीं हो उठती ना अदूर भविष्य रे दिने अत्याचार और शोषण रे विलोप हेबो ए जो आशा उपन्यासिक से भातांकर परज उपन्यास रे सुचाई दे कहिछंती कुहुड़ी भितरे नालिया सूर्य पहाड़ ऊपर को हाथ उठिछि चारियाड़ नाली उपन्यासिक आदिवासी परजा संप्रदायर सांस्कृतिक चित्र को मध्य सुंदर भाव उपस्थापन करिछंती किपर भाव अभाव दुनिया रे रहिके मध्य आदिवासी माने तांकर आनंद पाई से माने परब पालन करती परब हूँ पर्व से परब हेउछि से मानंकर जीवन केउ मानंकर ना आदिवासी मानंकर जीवन हेउछि पर्व पूजा करके से माने कोन करती नाच गीतर जो संपर्क ताहाकु मध्य परजा उपन्यास रे अति निपुण भाव रे अति सूक्ष्म भाव रे उपन्यासिक चित्रित करिछंती। देखिबा को गले जो परजा उपन्यास रहिछि गोपीनाथ महांतिंकर परजा उपन्यास या आदिवासी लोकमाने एक चिरंतन मूल्यबोध ने ताहाकु चित्रित करिछंती। आदिवासी मानंकर जीवन रे दुख से मानंकर जीवन रो सहचर किंतु से माने दुखी नुहंती मानसिक जगत रे से माने आनंद रे विचरण करथंती से मानंकर दुख तांको पाखो को केबे आसेनी किंतु से माने दुखी ए जो आनंद वितरण कथा कहा जाय छी से मानंकर जीवन रे दुख सहचर किंतु से माने दुखी नुहंती ए जो आनंद वितरण कथा कहा जाय छी ए आनंद वितरण रो लोक शिक्षक हेउछंती आदिवासी समाज जहाँ को हमें सीखा कथा वस्तुवाद रे मोहाच्छन्न विषाद रे भाराक्रांत अत्याधुनिक मनीष समाज अंतत आदिवासी मानंक ठारु ए कथा शिक्षा करिवे बोली औपन्यासिक आशा पोषण करी ए परजा उपन्यास टी रचना करी छंते। आजिरो कथा वस्तु आलोचना एटी शेष होउछि। वीडियो टी भल लागिले लाइक करंतु फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु जहाँ फल कि न्यू वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे। थैंक यू।